मतलब पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, उसके अंदर हमने पहले ट्रांसलेशन बताया था, फिर उसके अंदर उसके बाद में बताया था मैग्निफिकेशन, फिर रोटेशन बताया और लास्ट में बताया था इन्वर्जन। अब एक नया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि यदि कोई मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू एल्फा जेड प्लस बीटा, डब्ल्यू का मतलब एफ जेड से है, तो एफ जेड इक्वल टू एल्फा जेड प्लस बीटा की फॉर्म में हो, जिसमें एल्फा बीटा क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, तो ऐसी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और यदि ध्यान से देखो तो ये मैपिंग पहली मैपिंगों से मिलकर बनाई हुई है। देखिए यदि यहां पर अल्फा की जगह बंद कर दिया जाए और बीटा, तो ऐसे रहने दीजिए, अल्फा की जगह बंद कर दें तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस बीटा, और तुम्हें पता होगा ये कहलाता है हमारा ट्रांसलेशन, सही है। और बीटा की जगह यदि हम जीरो कर दें, बीटा की जगह जीरो कर दें तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्फा जेड, तो एल्फा की वैल्यू यदि रियल है तो ये कहलाएगा तुम्हारा मैग्निफिकेशन, और अल्फा यदि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है तो फिर कहलाएगा ये तुम्हारा रोटेशन, ठीक है। तो ये कुल मिल में लिख भी दिया है यहाँ पे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रियल टेंड ऑफ मैग्निफिकेशन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ये वास्तव में तीन चीजों को शो करता है, मैग्निफिकेशन को, रोटेशन को और ट्रांसलेशन को। अगर तुम्हें ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन याद है तो पहले याद करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, केवल इसको याद रखिए और इसके द्वारा तुम पहले वालों के भी जवाब दे सकते हो। और शॉर्ट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं कि इन कंडीशनों को ध्यान रखिए तो तुम एकदम जवाब दे दोगे कि वो घूम रहा है या मैग्निफाई हो रहा है। पढ़ लीजिए, पहला लिखा है नंबर वन, जो अल्फा है जो जेड के साथ में आ रहा है अल्फा, उसका आर्गुमेंट निकालिए, अगर वो आर्गुमेंट जीरो से बड़ा आता है तो 100% वहां पर रोटेशन होगा और वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। यदि आर्गुमेंट अल्फा का लेस देन जीरो आता है तो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, और आर्गुमेंट यदि अल्फा का जीरो आता है तो उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं होगा। फिर बताया मैंने कि अगर अल्फा का मोड वन है, वो वन से ग्रेटर है, तो फिर उसमें मैग्निफिकेशन होगा, और वो भी कैसा हो जाएगा स्ट्रेच एक्सपेंशन बढ़ जाएगा वो उसका साइज जो है। और यदि अल्फा का मोड वन से कम है तो उसके अंदर होगा मैग्निफिकेशन कैसा कंट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना, छोटा हो जाएगा वो। और एक बताया था मोड जेड, मतलब अल्फा का मोड यदि वन हो जाता है तो उसके अंदर कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, ठीक। फिर आते हैं बीटा पर, ये तो सारी बातें थी अल्फा के लिए, अब आती है बीटा की बात। अगर बीटा हमारा यहाँ पर जीरो नहीं है तो समझ जाइए कि वो जो फिगर है जेड प्लेन के अंदर वो डिस्प्लेस हुई होगी। कितनी डिस्प्लेस हुई होगी, जितना बीटा का मोड होता है। किस डायरेक्शन में होती है, जो बीटा की डायरेक्शन होती है। तो ये लास्ट वाला लिखा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और शुरू के लिखे हैं ये मैग्निफिकेशन और रोटेशन के बारे में। तो यदि तुम्हें केवल एक ये याद है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके द्वारा तुम पहले वाले तीन जो थे कौन कौन से, मैग्निफिकेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन के जवाब दे सकते हो। इसे याद रखिए, इसे सारे जवाब आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के द्वारा मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हमने, ये रही, कंसिडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू है 1 + i (z) + 2 - i। यदि हम अपनी अभी जो मैपिंग दी गई थी उसके द्वारा कंपेयर करें तो बता सकते हो इसमें अल्फा कौन हुआ, अल्फा कौन हुआ 1 + i, और बीटा कितना हुआ 2 - i। तो ये मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई डब्ल्यू क्या दिया गया हमें, डब्ल्यू इक्वल टू दिया हुआ है, एक मिनट जरा मैं पेन को थोड़ा सेट कर लेता हूं, पेन था हमारा ये वाइट, डब्ल्यू इक्वल टू दिया हुआ है हमें कितना 1 + i (z) में जेड है इक्वल प्लस के है 2 - i। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो हमें एकदम डायरेक्ट जवाब देना होगा, तो मैं यहां पर अल्फा और बीटा पहचान लेता हूं पहले ही। बताइए अल्फा कितना हुआ 1 + i हुआ, और बीटा कितना हुआ 2 - i हुआ। तो मुझे बताना होगा तुम्हें अल्फा का आर्गुमेंट कितना होगा, अगर मुझे रोटेशन देखना है तो यहां पर हाँ आर्गुमेंट बैठेगा टेन इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 और रियल पार्ट कितना है 1, कुल मिलाकर हो जाएगा ये π/4। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट आया है वो जीरो से, आर्गुमेंट जो है जीरो से बड़ा आया है, इसका मतलब इसमें रोटेशन होगा, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कहेंगे रोटेशन जो है इसके अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज।
अब बात करते हैं यहाँ पर रोटेशन तो चेक कर लिया, अब चेक करते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो अल्फा का मोड चेक करिए, अल्फा का मोड कितना आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कुल मिलाकर जाएगा √2, और √2 हमारा 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेच होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन होगा, सिकुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर कह देंगे कि इसके अंदर मैग्निफिकेशन है और वो भी कैसा है, स्ट्रेच्ड है। इन सभी को अभी करके भी देखेंगे हम, जो ये तो मैं तो वैसे डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच की स्पेलिंग अपने आप देख लेना, ठीक। अब तीसरी बात देखते हैं हम, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा या नहीं होगा, तो हमें बीटा को देखना होगा। तो यहां पर देखो बीटा का मोड निकालिए कितना आएगा, बीटा का मोड बैठेगा रूट, हाँ, 4 + 1 कुल मिलाकर √5, 0 तो नहीं आया, अगर 0 हो जाता तो इसमें कोई मैग्निफिकेशन होता ही नहीं, कहने का मतलब फिर तो ये वाली टर्म खत्म ही हो जाती है अपने आप ही, अगर 0 होता तो इसका मतलब है इसके अंदर बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, डिस्प्लेस होगी। अब कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस होगी, √β और √5, और किस दिशा में होगी, जिससे वेक्टर बना लो, बीटा से वेक्टर क्या बनेगा, कोमा लगाओ 2, -1 और उसको जोड़ दो तो वेक्टर बन जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाएगी। एक मिनट के लिए मैं यहां पर करके दिखा देता हूँ क्या बनेगा, 2 और -1, 2 यहां जाएगा, -1 यहाँ, तो इसको इसे मिला दीजिए इस पॉइंट से, तो यही तुम्हारा बीटा की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इस तरफ को डिस्प्लेस हो जाएगी वो जो है, तो यहां से चला पता कि ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेट हो जाएगी कितनी, √5 डिस्टेंस, बस इतना लिख दिया मैंने, तुम समझ जाओगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर देखे कुछ और दिया गया है, पढ़िए। हमें मैपिंग दी गई है ये वाली, और पूछा गया है डिटरमाइन द रीजन इन डब्ल्यू प्लेन इनटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x = 0, y = 0, x = 1, y = 2। तो इनसे एक जेड प्लेन के अंदर एक रीजन बनेगा, उसको तुम्हें डिस्प्लेस करना है डब्ल्यू प्लेन में। पहले ये बताइए जो जेड प्लेन में हमें ये रीजन दिया गया है वो क्या है। हाँ, रेक्टेंगल है, 4 लाइनों से घिरा हुआ एक रेक्टेंगल बनाया गया है, उसको हमें डिस्प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम x = 0 को मैप करेंगे, फिर y = 0 को, फिर x = 1 को, फिर y = 2 को, और सबको मैप करने के बाद फिर देखेंगे कि वो रेक्टेंगल क्या रेक्टेंगल में ही मैप हुआ या चेंज हो जाएगा। वैसे बता सकते हो तुम क्या चेंज होगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल मैप होगा या कुछ और बन जाएगा। बहुत बढ़िया, जो है जल्दी से इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम इसको सही तरीके से मैप करेंगे कि वास्तव में ये बनेगा क्या। ये तो हमने सारी बातें बता दी हैं जो ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए थी, देखो ये रह गई, इसे क्या था, अब इसके लिए अलग सा करना पड़ा मुझे, ये भी रह गए, दे देखो सारे एक साथ तो कहते बनना है। चलो भाई अपपुट करो इसमें जल्दी से, पुट पुट x = z = हाँ अपना उसी तरह से करो जैसे करते हो तुम, पुट z = x + iy और w = u + iv इन वन में रखो। तो यहां पर u + iv = क्या बन जाएगा, 1 + i (x + iy) और +k (2 - i). यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x आ जाएगा, फिर iy आ जाएगा, +k (ix) हो जाएगा, -k (y), +k (2 - k) बस डायरेक्ट कर दूं, इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट आ जाएगा u = x + x - इतनी जल्दी बोल दो पता नहीं चलता, x + -y + 2 और v = y + x - 1, ये -1 है। चलो जी अब इसके द्वारा हम बड़े आराम से किसी भी जेड प्लेन के अंदर जो भी हमें दे रखा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम डब्ल्यू प्लेन के अंदर। अब एक एक को मैप करते हैं, सबसे पहले मैपिंग करते हैं हम किसकी, x = 0 लाइन की। तो क्या बताया तुम्हें, इस लाइन को मैप करने के लिए तुम्हें यहां पर एक रिलेशन बनाना पड़ेगा यूवी में, तो बताओ किसके द्वारा बनाओगे, बनाओ x = 0,
एक्स की वैल्यू दोनों तरफ रख लो, तो यू इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस के वाई प्लस के टू, और वी इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस माइनस वन। अब इन दोनों को नहीं, वाई जब वाई आएगा वाई, हाँ अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पर यू प्लस वी और यहाँ आ जाएगा जीरो, और कुल मिलाकर आ जाएगा वन, ये आ गया। ठीक है, अब ये लाइन तुम्हें पता होगी डब्ल्यू प्लेन में कैसे बनेगी, बताओ। यू पे वन डिस्टेंस, वी पे भी वन डिस्टेंस, ये बनेगी इस तरह से डब्ल्यू प्लेन में, ये ध्यान रखना। तो ये डिस्टेंस हमारी वन होगी और ये डिस्टेंस वन होगी, तो इसका मतलब है जो एक्स इक्वल टू जीरो है, कहने मतलब वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस मैप हुई है इस लाइन पर। अगली मैपिंग करते हैं, अब हम मैपिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे वाई इक्वल टू जीरो की। चलो वाई इक्वल टू जीरो भरो पहले इसके अंदर यहाँ पे, है तो यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ये तो आएगी, और वी की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स माइनस वन। अब इनको घटा दीजिए, है यू माइनस वी इक्वल टू आ जाएगा प्लस के तीन, ये तो इसे ऐसे लिख लो यू अपॉन वन और वी अपॉन माइनस वन, या तीन को चले आओ ना, थ्री आ जाएगा, और यहां पर माइनस के तीन, और इक्वल टू कितना जाएगा वन, तो इसे खींचने में दिक्कत नहीं आने कितनी, ये तो आएगा। बताओ यू पे थ्री ए इधर आ गई, और वी पे माइनस थ्री, तो नीचे जाएगी ए, नीचे जाएगी यहाँ को, यहाँ मान लो माइनस थ्री, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये लाइन बन जाएगी, ये बन गई, तो ये लाइन होगी हमारी यू माइनस वी इक्वल टू थ्री, ये रहे। अब करेंगे हम मैपिंग कौन से वाली लाइन की, मैपिंग करते हैं एक्स इक्वल टू वन की, मैपिंग कर रहे हैं हम एक्स इक्वल टू वन की, तो एक्स की जगह वन कर दीजिए, तो यू इक्वल टू आ जाएगा वन, और वन थ्री हो जाता, थ्री माइनस वाई है, और वी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, वन से वन कट जाएगा, नहीं हाँ वाई बचेगा, वाई बस, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यू प्लस वी इक्वल टू आ जाएगा थ्री। तो ये लाइन भी तुम्हें पता है, ये लाइन आपकी बार थ्री डिस्टेंस पर जाएगी, पहले वाली देखो ये वाली थी वन डिस्टेंस पर, ये जाएगी थ्री डिस्टेंस पर, ये ध्यान रख लेना बस, क्योंकि सबको फिर एक जगह हम मिला करेंगे। एक मैपिंग रह गई है हमारी, लास्ट मैपिंग है वाई इक्वल टू टू वाली, करो इसको मैपिंग को मैप, तो वाई इक्वल टू टू, तो वाई इक्वल टू टू हो जाएगा वी, यू इक्वल टू कितना बैठेगा एक्स के, और वी इक्वल टू एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन बैठेगा ना, तो यू माइनस वी कर दो, तो यू माइनस वी की वैल्यू बैठ जाएगी तुम्हारी माइनस वन है, माइनस वन को नीचे ले आओ, तो यू अपॉन तो आ जाएगा माइनस वन, और वी के नीचे आ जाएगा प्लस वन इक्वल टू वन, इस लाइन को ड्रॉ करो, तो यू पे माइनस वन इधर जाएगी और वी पे प्लस वन ऊपर जाएगी, तो इस साइड में खिंचेगी ये, तो यू माइनस वी इक्वल टू माइनस वन, ये लाइन ऐसी होगी। अब हम इन सबको एक जगह खींचेंगे मिलाकर, ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से। ऐसा देखिए जो इसका अब सही वो बनेगा वो मैं बना रखा है, तो डायरेक्ट मैं उसे दिखा देता हूं, अलग ही ले जाऊं, है गिचपिच हो जाएगी नहीं तो ज्यादा। इसे यहां पर देखिए ध्यान से, जो ये व्हाइट वाला है ये तो है जेड प्लेन में, और जो ये वाला बना है कौन सा कलर कह रहा मैं इसे, चलो जी, तो ये बना हमारा डब्ल्यू प्लेन में, मतलब इस वाले को देखो जो हमारा ये जेड प्लेन में है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन बताओ, वाई इक्वल टू जीरो, और जो ये वाली लाइन है ये वाली वाली, ये है एक्स इक्वल टू जीरो, और जो ये वाली लाइन है खड़े वाली, ये इसके पैरेलल है, कितनी डिस्टेंस पे, वन डिस्टेंस पे, तो ये एक्स इक्वल टू वन है और ये वाई इक्वल टू टू है, देखो टू डिस्टेंस पे ली। अब हमारी जो लाइन बनी है वो देखो, ये वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी मैप हुई थी, देखो यूवी में चेक करो, यूवी में ये वाली लाइन कौन सी बनी थी, ये वाली लाइन, ये इसे चेक कर दिखाओ, ये लाइन कौन सी थी, यहां देखो नीचे क्यों देखो, यहां देख लो ना, ये वन और वन डिस्टेंस काट रही है, एक्स पे वन काट रही है, वाई पे वन काट रही है, तो क्या कौन सी होगी, यू प्लस वी इक्वल टू वन, तो यू प्लस वी इक्वल टू वन है, इसे तो मैंने आगे बढ़ाया ना, लाइन तो पूरी होगी ना ये, तो
अभी ये वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन देखो, ये यहाँ पर थ्री डिस्टेंस काट रही है, ठीक है। इसे पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, थ्री। तो ये वाली लाइन जो है वो है यू प्लस वी। हाँ, और अब ये लाइन की बात करो, ये देखो यहाँ पर तीन डिस्टेंस काट रही है, अब नीचे को बढ़ाओगे तो वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो माइनस के थ्री, समझ रहे हो तुम। अब हाँ, अब इस लाइन को देखो, इस वाली लाइन को, इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाओ, इसे पीछे की ओर बढ़ाओ तो एक्स पे तो वन डिस्टेंस काट रही है, वाई पे काटेगी माइनस वन, समझ गए तुम। तो ये वाली लाइन आ गई, तो इन चारों को मिलाकर देखा तो ये वाला बन गया हमारा। अब ये सोचो, जो व्हाइट वाला है, ये वाला हमारा जेड प्लेन वाला, ये सीधा खड़ा है, अब ये इस तरह घूम गया तो कितना एंगल घुमा ये बता दो बस तुम, एंगल कितना घुमा। पहले सीधा था, अब ये ऐसा तिरछा हो गया, इस तरह से 45 का एंगल। यहाँ पे कोई एक साइड पकड़ो ना, ये साइड देखो, ये वाला एंगल कितना जाएगा, 45। तो ये 45 है, अब बात उठती है 45 का एंगल तो घुमा, अब बात बतानी है इसके अंदर क्या इसमें मैग्निफिकेशन हुआ, साइज चेंज हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी थी, वन थी, और ये कितनी थी, टू थी। अब देखना इसकी ये वाली कितनी आई और ये कितनी आई, चेक करो इसे एक मिनट के लिए, ये वाली कितनी आई, ये वाली, कोई बचत आएगा इसे सोल्व करनी पड़ेगी, टू बैठेगी, टू कैसे बैठेगी, वो पूरी लाइन खींचनी पड़ेगी ना, पूरी लाइन से चलता पता जो है, रूट टू बैठ रही है, और ये वाली कितनी बैठ रही है, ये कितनी बैठेगी, ये निकालना, ये वाली, ये वाली, यहां देखो ना, ये बैठेगा तुम्हारा कितना, 0-2, हाँ, और ये बैठेगी तुम्हारी 3-0। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो कितनी आ गई, कौन से वाला, ये वाला, हाँ, 1.2 है, 1.2, हाँ, 1.2, 1.2 है, बिल्कुल सही बात। और ये है 3-0, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाली तुमने, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्म लगा लो या पाइथागोरस लगा लो, वो भी बात सही है। तो कितनी बैठ रही है, 2√2 बैठ रही है, और जबकि ये वाली इसकी लंबाई कितनी थी, ये वाली लंबाई 2 थी, तो कितनी बढ़ी वो जो है, जितना अल्फा का मोड होगा, तो अल्फा का मोड कितना आया, √2 तो मैग्नीफाई हुआ, अरे उसकी पहले 2 थी, अब मैग्नीफाई होगा कितनी होगी, 2√2 हो गई, ये तो बैठ रही है, ठीक। तो यहाँ पे साइज भी चेंज हो गया है और ये घूम भी गया है। अब बात आती है ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन कितना हुआ होगा, पहले एक मिनट को देखो, अगर हम इस ट्राइंगल का, इस वाले रेक्टेंगल का एक कोना पकड़ ले कोई भी, ये पॉइंट है हमारा 0 0, इसको देखना मैपिंग के अंदर रखकर, इसको मैपिंग के अंदर रख के देखो W की वैल्यू कितनी जा रही है, 0 0 रख के देखो, मैपिंग में रख के देखो, ए इसके अंदर, यहाँ जेड की जगह 0 रखा तो कितना आएगा, 2, -1, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ गया होगा, ये पॉइंट 2, -1 पर गया होगा, तो 2 कहां पर है, -1 कहां पर है, यहां गया होगा, इसका मतलब 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां पर मैप हुआ। अब ये कितनी डिस्टेंस, ये वाला कितनी डिस्टेंस में मैप हुआ ये देखो, तो ये तो है 0 0, और ये आया तुम्हारा 2, -1, उनके बीच की डिस्टेंस निकालो कितनी आएगी, वो बीटा के मोड के इक्वल आएगी, समझ आगे। तो इसका मतलब इसका हर पॉइंट इतनी डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया होगा। तो मैंने ये सही जो चित्र था वो बना दिया, तुम्हें बनाना है बना लीजिए जल्दी से इसको। तो इस डायग्राम को वैसे अपने हिसाब से बना के देख लीजिए, दोनों अलग अलग प्लेन में, वो तो मर्जी है तुम्हारी जो है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसे तुम करना आपके पास जो है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैपिंग दिया है W इक्वल टू आई जेड, और ये मैपिंग का नाम बता भी दिया है, ये केवल रोटेशन है, क्यों है बताइए, इसमें प्लस बीटा नहीं आया, केवल क्या है इसमें, अल्फा है और बीटा नहीं है। मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या कहता हूं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा होता है, अब बीटा नहीं आया तो इसका मतलब बीटा 0 है, तो लिखवाया था तो मैं अभी जो है, अगर बीटा 0 हो जाता है तो उसके अंदर मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब रोटेशन हो सकता है या मैग्निफिकेशन, तो किस पर डिपेंड करता है, अल्फा पर। अब अल्फा कौन है, यहां पर आई है, ठीक है, अल्फा का मोड बताओ कितना हुआ, 1, तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्निफिकेशन नहीं होगा। अगर अल्फा का मोड 1 है तो मैग्निफिकेशन नहीं होगा, अगर अल्फा का मोड 0 और 1 के बीच में है तो सिकुड़ेगा, और अल्फा का मोड यदि 1 से बड़ा है तो फैलेगा, सही है। अब बात आती है रोटेशन की,
अब इसमें रोटेशन होगा या नहीं होगा, तो अल्फा बराबर आई है, तुम इसका आर्गुमेंट निकालो जल्दी से, लिख रहे काम मैंने, वैसे तो कितना बैठेगा पाई बाय टू, चेक कर लो फिर भी जल्दी से। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू दिया हुआ है हमें आई जेड प्लस जीरो डाल दीजिए, इसकी कंपेयर कर लीजिए जल्दी से, W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा से कंपेयर करिए, तो अल्फा की वैल्यू आई है और बीटा की वैल्यू जीरो है। बीटा की वैल्यू जीरो का मतलब है इसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन। देखिए अभी मैंने तुम्हें नोट लिखवाए थे उनको चेक कर लो एक बार, अब तुम्हें यहां पर मैग्निफिकेशन चेक करना तो अल्फा का मोड निकालो, और रोटेशन चेक करना हो तो इसका आर्गुमेंट निकालो, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले अल्फा का मोड, तो कितना जाएगा बताइए, जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कुल मिलाकर आ जाएगा रूट वन, या कह दीजिए वन, तो इसका मतलब है इसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं है, नो मैग्निफिकेशन, इसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं है। अब तुम्हें इसका रोटेशन चेक करना है, तो तुम्हें अल्फा का आर्गुमेंट निकालना चाहिए, तो अल्फा का आर्गुमेंट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो वन और रियल पार्ट जीरो, तो कुल मिला कितना जाएगा टेन इनवर्स इनफिनिटी, तो कितना आ गया पाई बाय टू, और ये जीरो से बड़ा आया तो इसका मतलब इसमें रोटेशन होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा पाई बाय टू के एंगल से। अब किसको घुमा रहे हैं वो देखिए, उसने कहा है एक स्ट्रिप दी गई है तुम्हें इनफाइनाइट स्ट्रिप, और वो स्ट्रिप जो है जीरो और वन के बीच में है, तो उस पट्टी को तुम्हें ट्रांसफर करना है डब्ल्यू प्लेन में। पहले इस पट्टी की बात कर लेते हैं, ध्यान देना ये हमारी मान लीजिए एक्स एक्स वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले एक काम करो एक्स इक्वल टू जीरो बताओ कौन सी लाइन होती है, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब है वाई एक्सिस, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, और एक्स इक्वल टू वन कौन सी लाइन होगी जो यहां पर वाई के पैरेलल आएगी, लेकिन कितने डिस्टेंस पर, वन डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी वन जाएगी, तो इसका मतलब एक्स क्या कह रहा है, वो एक्स कैसा है जो जीरो और वन के बीच में है, तो कौन से पॉइंट की बात कर रहा, इन पॉइंटों की बात कर रहा है वो जो जीरो और वन के बीच में है। यहां पर कोई भी पॉइंट लेना उसमें एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में आएगी, लेकिन वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि तुमने यह पॉइंट यहां लिया तो वाई तो ये ऊंचाई होगी, एक्स तो लेकिन वन से कम ही आएगा ना, चाहे तुम नीचे ले लीजिए, तुम यहां पर लेके चलोगे कोई पॉइंट तो उसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो से बड़ी और वन से कम आएगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वाई पर तो डिपेंड ही नहीं है यहां पर, केवल उसने क्या कहा वे पॉइंट पकड़िए जिनका एक्स जीरो और वन के बीच में है, तो वे पॉइंट एक दो थोड़ी नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है इनफाइनाइट, ये पट्टी ऊपर की ओर अनंत तक चलती हुई चली जाएगी इस तरह से, तो वो कह रहा है इस पट्टी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंटों को मैप करके दिखा दीजिए डब्ल्यू प्लेन में, वे कहां मैप होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें चल गया पता कि इसके अंदर कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ये पट्टी जहां है वहीं रहेगी, आगे नहीं खिसकेगी ना पीछे जाएगी, खिसकेगी नहीं, ट्रांसलेट नहीं होगी। दूसरा नो मैग्निफिकेशन, इसका साइज भी चेंज नहीं होगा, चौड़ाई बताइए से कितनी हुई इस पट्टी की, चौड़ाई कितनी हुई वन, तो इसकी चौड़ाई जो डब्ल्यू प्लेन में बनेगी पट्टी तो वो वन चौड़ाई की बनेगी, ठीक। उसके बाद में क्या है, इसमें क्या हो गया है, रोटेशन हो गया है, अगर ये खड़ी है तो 90 डिग्री घूम जाएगी, तो इसका मतलब 90 डिग्री जब घूमेगी तो लेट जाएगी, अरे अब ये पट्टी ऐसे खड़ी है इस तरह से और तुम्हें 90 डिग्री घुमाना है तो तुम्हें लिटाना तो पड़ेगा, ये पहले ऐसे खड़ी थी अब ये लेट गई है तो कितने डिग्री घूम गई है, 90 डिग्री घूम गई, तो इसका मतलब डब्ल्यू प्लेन में जब ये पट्टी घूमेगी तो 90 डिग्री घूमेगी, किधर घूमेगी, वो घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर का हिस्सा इस साइड में आ जाएगा नीचे की ओर, समझ में आ गया बात तुम्हें। बस अब इस समय करके देख लेते हैं, ये तो हमने केवल जो शॉर्ट में बताए थे मैंने उनसे बता दिए हैं कि तुम डायरेक्ट देख के इतने सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो, अब तुम्हें वैसा करना है तो वैसा कर लीजिए। बताइए इसके अंदर पहले जेड की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस आई वाई, डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे, यू प्लस आई वी, यू वी में और एक्स वाई में संबंध बना लेंगे, फिर एक लाइन लेके चलेंगे x इक्वल टू जीरो और एक लाइन लेके चलेंगे x इक्वल टू वन, उन दोनों को मैप कर लेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में जो पॉइंट है उनको मैप करना, तो एक कोई पॉइंट पकड़ेंगे अंदर की तरफ और उसको देखेंगे उस पट्टी के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, पहले इतना काम करिए लीजिए, फिर दूसरा काम बाद में करेंगे। बच्चों अब हमने इस स्ट्रिप को वैसे मैप करा, कैसे मैप करा, देखो जो मैपिंग दी गई थी उसके अंदर हमने जेड की जगह रखा एक्स प्लस आई वाई, डब्ल्यू की जगह रखा यू प्लस आई वी, तो जैसे इसके अंदर रखा तो यहाँ पे इक्वेट करा रियल इमेजिनरी पार्ट, तो यू की वैल्यू ये आ गई है, वी की वैल्यू ये आ गई है। अब हम एक एक को मैप करेंगे, पहले मैप करेंगे हम एक्स इक्वल टू जीरो को, तो एक्स इक्वल टू जीरो को जब मैप करेंगे यहाँ पर तो एक्स की जगह जीरो इस वाली में भर दो तो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये वाली लाइन वी इक्वल टू जीरो पर मैप हो रही है, ठीक है।
तो यहां बी इक्वल जीरो का मतलब हो जाएगा तुम्हारी यू एक्सिस, क्योंकि ये यू है और ये बी है, और इसी तरह से हम मैपिंग करेंगे एक्स इक्वल टू वन की। तो एक्स की जगह जैसे ही वन रखा तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो इसका मतलब वी इक्वल टू वन का मतलब क्या, वी एक्सिस पर वन डिस्टेंस लो, और किसके पहले खींच दो, यू एक्सिस के पहले, तो ये वी इक्वल टू वन। तो हमने यहां पर देखा कि जो एक्स इक्वल टू जीरो लाइन वो मैप हुई है वी इक्वल टू जीरो पर इस वाली पर, और जो एक्स इक्वल टू वन लाइन है वो मैप हुई है वी इक्वल टू वन पर। अब हम देखना चाहते हैं कि जो अंदर के पॉइंट है वो कहां मैप हुए, ठीक है। तो हमने एक अंदर पॉइंट लिया वैसे अपने पास है वन बाय टू, और यहां वन जेड की वैल्यू ली वन बाय टू वन, जेड प्लेन क्या है ये, और नीचे वाला क्या कौन सा है हमारा, डब्लू प्लेन, ये ऊपर वाला है जेड प्लेन। तो जेड प्लेन में हमने एक पॉइंट लिया, मतलब जेड की वैल्यू ली हमने वन बाय टू आई, और ये वैल्यू हमने इस डब्लू के अंदर भर दी, यहां पर फंक्शन के अंदर, यहां जेड की जगह। अब जब जेड की जगह यहां भरी तो डब्लू की वैल्यू ये आई, यहां भर के दिखाई मैंने साइड में, ये रही, तो डब्ल्यू की वैल्यू आई माइनस के वन बाय टू, माइनस के वन और वन बाय टू, और ये जो पॉइंट जाएगा वो यहां जाएगा इस जगह रहा, क्योंकि यू नेगेटिव है वी पॉजिटिव है, तो ये यहां मैप हुआ। इसका मतलब है इस पट्टी के अंदर के जो पॉइंट है वो अंदर मैप हो रहे हैं। और एक बात और करके देख लेना, कोई इस पट्टी से बाहर पॉइंट लेके देखना तो वो बाहर वाला पॉइंट जो होगा इस पट्टी के बाहर मैप होगा। जैसे हमने एक पॉइंट लिया वैसे टू जीरो, तो जेड की वैल्यू टू प्लस जीरो आई लेके देखना, और डब्ल्यू यहां भरना, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइन कितना, हाँ जीरो टू आई थी, जीरो टू। तो ये पॉइंट यहां मैप हो रहा था, देखो बाहर का पॉइंट बाहर मैप हो रहा है और पट्टी के अंदर के पॉइंट अंदर मैप हो रहे हैं। बस ये कर ली तुमने, चलिए करिए इसको, इसको मैप करना है तुम्हें। सो दैट डब्ल्यू इक्वल टू आई जेड प्लस आई मैप हाफ प्लेन एक्स ग्रेटर देन जीरो ऑन टू द हाफ प्लेन वी इक्वल टू वन। सो दैट कहा मैंने यहां पर, देखो ध्यान दो, पहले एक बार बताओ, ये यहां पर W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा की फॉर्म में है ये, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बात ध्यान रखना, हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तुम्हारा या तो ट्रांसलेशन होगा या मैग्निफिकेशन होगा या रोटेशन होगा या तीनों होगा, तीनों भी तो हो सकता है, तीनों काम हो रहे हैं उसके अंदर, रोटेटिव भी हो रहा हो, डिस्प्लेस भी हो रहा हो और मैग्निफाई भी हो रहा हो, तीनों काम भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखो, इसमें अल्फा की वैल्यू आई आई, बीटा की वैल्यू है आई, तो बीटा की वैल्यू आई है, जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर ट्रांसलेशन होगा। अब कितनी दूर खिसकेगा, बीटा का जितना मोड होगा, तो बीटा का मोड कितना हो जाएगा, वन, तो वन डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाएगा हर पॉइंट जेड प्लेन का डब्ल्यू प्लेन के अंदर। और अब यहां बात करो अल्फा की, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां आई, आई अल्फा का मोड लो तो अल्फा का मोड कितना आएगा, वन, इसका मतलब उसके अंदर कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा, ठीक। अब देखना तुम्हें रोटेशन, तो एल आई का क्या निकालो, आर्गुमेंट कितना बैठता है, पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर कैसा आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब उसके अंदर मैग्निफिकेशन होगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा पाई बाय फोर एंगल का। तो सारी जानकारी यहाँ, हाँ पाई बाय टू बैठेगा, पाई बाय टू बैठ, क्योंकि रियल पार्ट कितना है, जीरो है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हमें पहले ही पूरी जानकारी मिल गई, लेकिन उसने जो बात कही है उसे चेक करो, उसने कहा हाफ प्लेन, हाफ प्लेन है एक्स बराबर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये हाफ प्लेन कौन सा होता है, तो मैं बता देता हूं मैं यहाँ पर, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा माउस को छोटा करके देखा था, अब ये बताएंगे कि इसमें हमें माउस दिखाई नहीं दे रहा, देखो खींचा कहाँ जा कहाँ पूरा, एक मिनट, ये रहा हमारी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाफ प्लेन का मतलब क्या है, वैसे तो तुम जानते ही हो हाफ प्लेन को, बताओ भैया कौन से हाफ प्लेन की बात कर रहा है ये बता दो बस। ये मैंने यहाँ पर जेड प्लेन लिखा, ये रही एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस, एक्स ग्रेटर देन जीरो तो कौन से पॉइंट की बात कर रहा है जिनमें एक्स जीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव, बताओ कौन से, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की जिसमें एक्स जीरो से बड़ा हो, हाँ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो। तो ये पूरे प्लेन का क्या कहलाएगा, पूरा प्लेन एक्स वाई प्लेन होता है, तो पूरे प्लेन का तुमने क्या ले लिया, इस साइड का पार्ट, ये इधर का पार्ट, ये सारा पार्ट, तो ये हाफ प्लेन कहलाएगा। अरे आधे तो हुआ है, एक्स वाई प्लेन का आधा, तो वो कह रहा इन सारे पॉइंटों को मैप करके दिखा दीजिए कि ये डब्ल्यू प्लेन में कहां मैप होंगे। तो बताओ एक मिनट में वैसे जवाब दो, कहां मैप होंगे बताओ, ये हाफ प्लेन कहां मैप होगा, कितना एंगल घूमेगा, पाई बाय टू, इसका मतलब सीधा खड़ा अभी लेट जाएगा, ठीक है, ठीक। डिस्प्लेस कितना होगा अपनी जगह से, जितना बीटा का मोड है, बीटा का मोड कितना था, वन, वन डिस्प्लेस होगा, किधर को डिस्प्लेस होगा, लेफ्ट साइड में को, राइट साइड में को, कैसे लापता,
बीटा की डायरेक्शन देखो। हाँ वैसे कर लो, चलो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नीचे को लेट जाएगा ये, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेस कितनी जगह होगा, अपनी जगह से वन डिस्टेंस, तो किधर को जाएगा वो, लेफ्ट साइड में को या राइट साइड में को, वो भूल रहा हूं मैं। लेफ्ट में कैसे ला पता तुम्हें? हाँ इसमें एक लाइन है x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो की मैपिंग कहां जाएगी, यहां पर देख लो x बराबर जीरो, जेड की जगह x प्लस आई वाई रखोगे ना, उसे तोड़ लो और उसे देख लो कहां जाएगी वो, तो उसने खुद के रखा सो तो v ग्रेटर देन 1, तो x इक्वल टू जीरो की जो मैपिंग होगी वो होगी v इक्वल टू 1 पे मैप करके देखो एक बार, जल्दी से करो करके देखो कहां मैप होगा, बना के दिखा दो इसे। देखो बच्चों इन्होंने बताया z की जगह इसमें रखा x प्लस आई वाई, डब्ल्यू की जगह रखा u प्लस आई वी, उसे u और v एक्स वाई में रिलेशन निकाल लिए, फिर इन्होंने x इक्वल टू जीरो को मैप करा, तो ये बता रहे हैं v इक्वल टू 1 पे मैप हुई, तो हमें चल गया था पता कि हाँ भाई ये x इक्वल टू जीरो इस लाइन पे मैप हो रही है, लेकिन हमें तो ये सारे पॉइंट देखने थे, तो ये पॉइंट कहाँ मैप हो रहे हैं, तो इनमें से कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए और उसे देखिए पट्टी के इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, चेक करो। पता कैसे चला तुम्हें कौन से वाले पॉइंट है, ऊपर वाले नीचे वाले? ऊपर वाले, क्योंकि हमें सिद्ध करना हाँ, तो v की वैल्यू भी जी क्या जीरो से वन से बढ़ी जाएगी, या ऐसा कर लीजिए कोई पॉइंट पकड़ लीजिए पर्टिकुलर यहाँ पे कोई पॉइंट इसमें रख के देखिए, तब देखिए उसमें v की वैल्यू कैसी जाती है, वन से बढ़ी जाती है कम जाती है, समझ रहे हो तुम? ठीक, तो इससे ऊपर के पॉइंट जाएंगे ये वाले, फिर भी मुझे मैं एक बात बोल लेता हूँ छोटी सी जो है, तुम मुझे इस पट्टी से इधर एक पॉइंट पकड़ के दिखाइए वैसे रफली कुछ भी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी माइनस वन और y की वैल्यू चलो वन ले लो, अब इस पॉइंट को रखकर देखना इस मैपिंग के अंदर, मतलब z की जगह रखो माइनस वन प्लस आई और सोल्व करो इसे, w की वैल्यू देखो कहाँ गई, w की वैल्यू कितनी आई, अगर z की वैल्यू ये ले तो w की वैल्यू बैठ गया कितनी माइनस वन प्लस के 2i, हाँ तो ये बैठ गया तुम्हारा माइनस वन और 2, अब इस पॉइंट को देखना चेक करियो कहाँ जाएगा, माइनस वन यू की वैल्यू माइनस की है तो यू की वैल्यू इधर जाएगी और 2 है प्लस के 2 तो ऊपर जाएगी, ये तो गलत हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू केवल माइनस वन आ रहा, चेक कर लो अगर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई माइनस वन प्लस जीरो आई, ये तो कह रहे हो तो कहां मैप होगा, माइनस वन कहां जाएगा हमारा यू की वैल्यू इधर, तो माइनस वन यहां आ गया जीरो यहां आ गया, इसका मतलब ये वाला बाहर वाला पॉइंट इस पट्टी से अलग वाला पॉइंट बाहर ही मैप हुआ इस पट्टी से, वरना गलत हो जाएगा ना, तो इस इधर के जितने भी पॉइंट है वो कहां जा रहे हैं, वी ग्रेटर देन वन पे ऊपर की ओर मैप हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई कहने लगा एक्स लेस देन जीरो के पॉइंट किधर को मैप होंगे, अगर पूछने लगा तुमसे एक्स लेस देन जीरो के पॉइंट किधर मैप होंगे, मतलब इस साइड के मैप क्या होंगे, तो उसमें तुम्हें क्या देखना कि वी की वैल्यू वन से बढ़ी जाएगी या वी की वैल्यू वन से छोटी जाएगी, तो इधर हमने देखा एक पॉइंट पकड़ा और एक पॉइंट इसमें रख के देखा तो वो नीचे मत जा रहा, तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या जा रही है, यहाँ पे जीरो है तो वन से कम जा रही है, समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो जब भी कभी इस तरह से प्लेन पकड़ना हो ना, कौन से प्लेन में है, तो पॉइंट पकड़ दे देते हैं, पॉइंट पकड़ो और रख के देखो कि वो किधर जा रहा है, अब यहाँ बाहर पॉइंट लिया हमने इस वाले पॉइंट पट्टी से तो ये बाहर गया, अंदर पॉइंट ले रहे हैं तो अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से तुम मैपिंग आराम से चेक कर सकते हो उसको शॉर्टकट में जो है। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन करा, अब तुम ये बताओ मुझे जो है अगली मैपिंग बता।